नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं एटीएल मैराथन के 300 प्रमुख प्रोजेक्ट में शामिल रीवा के होनहार कक्षा 9वीं के KV1 में पढ़ने वाले छात्र हर्ष ने एक ऐसी डिवाइस बना डाली जिसमें पल्स के साथ बॉडी टेम्परेचर भी रिकॉर्ड होता है। यही नहीं, अपने आप डिवाइस के माध्यम से मोबाइल के साथ मेल में भी चला जाता है, जिसकी हम एक्सेल शीट में PDF फाइल भी बना सकते हैं। डॉक्टर कभी भी 24 घंटे की पल्स बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। हर्ष के उपलब्धि उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका देने जा रही है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हर्ष के साथ उनकी माता रोली वाजपेयी, जो कि हर्ष की टीचर भी हैं, दिल्ली जा रही हैं। हर्ष के पिता देश के मान्यता प्राप्त क्रिकेट के एम्पायर हैं। वहीं हर्ष की इस उपलब्धि से उनका पूरा परिवार काफी खुश है। हर्ष ने यह डिवाइस कोरोना वायरस संक्रमण काल में अपनी नानी की खराब तबीयत को देखते हुए बनाई, क्योंकि हर्ष के माता पिता दोनों नौकरी करते हैं। नानी की तबीयत खराब होने पर उन्हें अपने काम छोड़कर घर की ओर रुख करना पड़ता था। यह बात हर्ष के दिमाग में घर कर गई, जिसके चलते उसने डिवाइस बनाने की ओर अपना ध्यान लगाया, जिसमें उसके स्कूल ने भरपूर उसका सहयोग दिया। आइए आपको दिखाते हैं डिवाइस कैसे काम करता है। गर्म पानी का एक गिलास डिवाइस के पास रखने से उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ता है और किस तरीके से ईमेल तक पहुंचता है। तो देखा आपने डिवाइस कैसे काम करता है, कितनी आसानी से टेम्परेचर का पता चलता है, पल्स की रीडिंग पता चलती है। हर्ष ने यह कैसे बनाया, उनको इसकी प्रेरणा कहां से मिली, आइए सुनते हैं हर्ष की जुबानी। हर्ष को आज प्रधानमंत्री ने बुलाया है। क्यों बुलाया है, हम इसके बारे में हर्ष से ही बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने आपको क्यों बुलाया? प्रधानमंत्री जी ने हमको परीक्षा पे चर्चा 2022 के लिए अपने दिल्ली में आमंत्रित किया है। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में स्थापित होगा, जहां पर कि देश और विदेश के कई सारे जो विद्यार्थी हैं वो एकत्रित होंगे और प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद करेंगे। आपने ऐसा क्या कारनामा किया है, कौन सी ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी वजह से आप कल तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे? तो अब हम लोग जैसा सभी जानते हैं कि विगत 2 वर्ष जो थे उनको कोरोना काल कह सकते हैं। इन वर्षों में चिकित्सक अपने पेशेंट्स को क्लिनिक में नहीं चेक कर रहे थे, कोई रियल टाइम ऐसा नहीं हो पा रहा था डेटाबेस वाली चीज़ें। तो और उसके पहले भी मेरी नानी न्यूरो पेशेंट है, तो उनका अगर कुछ भी एबनॉर्मेलिटी होती थी तो मम्मी पापा को अवकाश लेके अपने कार्यालयों से आना पड़ता था, जिसको सॉल्व करते हुए मैंने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम इजी हेल्थ है। तो इजी हेल्थ इस समय शरीर की 2 प्रमुख मापे टेम्परेचर और पल्स रेट को सेंस करता है और इन दोनों ही चीज़ों को एक डेटाबेस में, वाईफाई से जुड़े हुए डेटाबेस में हर 15 सेकंड में अपलोड कर देता है। और जो वो डेटाबेस है, क्योंकि वो वाईफाई से जुड़ा हुआ है, पूरे विश्व में बैठा कोई भी व्यक्ति उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। अब क्योंकि हमारा डेटाबेस एडवांस है, इसके कारण हमारा जो दिन भर का डेटा है, क्योंकि डॉक्टर्स का इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, हो सकता है वो ना देख पाए, तो सारा का सारा डेटा एक दिन का एक एक्सेल फाइल में डाउनलोड किया जा सकता है। और इसमें 2 अलर्ट फीचर्स भी हैं, फ़ोन कॉल और ईमेल अलर्ट फीचर। तो अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे तापमान के केस में 37 डिग्री के ऊपर जाता है तापमान और पल्स अगर 140 के ऊपर जाती है, तो एक ईमेल और फ़ोन कॉल दोनों ही डॉक्टर या जो भी आप रजिस्टर करेंगे उसके पास चला जाएगा, उनको ये बताते हुए अभी की स्थिति क्या है और उनको बोलते हुए अगर हो सके तो आप जाके चेक कर लें। और यह अगर मार्केट में उतरता है तो एक बहुत ही सस्ता और टिकाऊ इतना अच्छा उपाय बनेगा इस प्रॉब्लम का। और क्योंकि इसकी प्राइस भी बहुत सस्ती होगी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको खरीद पाएंगे और उपयोग कर पाएंगे। हर्ष ने कैसा डिवाइस बनाया जिससे बॉडी टेम्परेचर के साथ पल्स भी
कैलकुलेट हो सकती है और उसके डाटा को हम एक्सेल सीट में भी ले सकते हैं। हर्ष की मम्मी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं ये हर्ष की उपलब्धि के बारे में, उनने किस तरीके से किसी अनुभूति हो रही है। यह बहुत ही अपार खुशी का मौका है कि मेरा बेटा आज इस मुकाम पे है कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, और मैं इसकी कक्षा शिक्षिका भी हूँ, इस कारण भी मेरे लिए बहुत अपार खुशी का अनुभव है कि मेरा छात्र आज इस मुकाम पर है। यह नित नवाचार करता रहता है, छोटी छोटी चीज़ें, आज इसको एक मौका मिला है कि आपको आप सबके सामने इसको प्रस्तुत कर सके। शुरुआत में इसने ATL इनोवेशन मिशन के लिए एक कॉम्पिटिशन के लिए ये डिवाइस बनाया था, और वहाँ पर इसको जैसे ही सफलता मिली इसको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं कुछ और कर सकता हूँ। अभी एक ये कॉम्पिटिशन इसके बाद एक बड़ौदा में होने वाला है, उसके लिए इसने एक ऐसा डिवाइस बनाएगा जिसमें कई सारे पैरामीटर्स को चेक किया जा सकता है। ये अभी इसी कार्य को प्रगति पे मतलब शुरू करा हुआ है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, बड़ौदा में होगा, अभी अगले महीने तक इसका कंपटीशन होगा, उसमें यह डिवाइस वहाँ पर प्रस्तुत करेगा। तो यह कॉन्फिडेंस तभी बच्चे के अंदर आता है जब उसको एक जगह सफलता मिलती है तो दूसरी जगह उसको लगता है कि हम कुछ और करें, कुछ और करें। तो यह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि इसको इसने जो किया उस पर उसको सफलता मिली और इसके कारण वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, और उसके बाद हमें केंद्रीय विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने छात्रों को हर कुछ करने के लिए पूरी सुविधाएं प्रदान करता है, पूरी सुविधाएं प्रदान करता है स्कूल। हर्ष किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस क्लास में हैं? मैं इस समय अभी मैंने 9th का एग्ज़ाम दिया और अब मैं 10th में आने वाला हूं। मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा में मध्य प्रदेश में पढ़ता हूं। ये थे हमारे साथ हर्ष वाजपेयी, जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, लेकिन जो कारनामा उन्होंने किया है अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए। हालांकि पिछले 2 साल कोरोना वायरस संक्रमण से बीते, उस दौरान सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ यही थी, बॉडी टेम्परेचर और पल्स। इन दो चीज़ों को आपने जिस तरीके से बनाया है और आसान तरीके से बनाया, आपके मोबाइल पर आसानी से वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। हम हर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हम ये चाहेंगे कि जिस तरीके से हर्ष की माँ ने ये बताया कि अभी वो और भी इस पे लगातार काम कर रहे हैं और इससे बेहतर डिवाइस बनाने की, और एक कदम उन्होंने आगे भी बढ़ा दिया है। हालांकि उसके बारे में वो जब अगले महीने बड़ौदा में मीटिंग होगी तब उसको विस्तृत रूप से बता पाएंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।